जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं सितेंद्र सर। मैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चनों के साथ यहां पाया हूं। ये क्वेश्चन कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा तथा यह क्वेश्चन उन बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा जो बच्चे SSC बैंक रेलवे और बहुत सारे कम्पटिटिव एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, वर्ण विक्षेपण एवं विकिरण। तो गाइज इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन जो होगा यह सही आंसर होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है, इसमें सूर्य में हम जानते हैं कि लगभग 90% में केवल दो गैसेज होती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसेज होती हैं और 10% जो होता है इसमें अदर गैसेज होती हैं। तो गाइस होता क्या है, यहाँ पर होता यूँ है कि चार हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिल करके एक हीलियम के न्यूक्लियस बनाते हैं और साथ ही बहुत ढेर सारी यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा सही जो आंसर होगा वह सही आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, मींस नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य एवं तारों में बहुत सारे एनर्जी उत्पन्न होती हैं। मतलब जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है वह न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण मीन्स नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, दे देगा पृथ्वी, दे देगा शुक्र, दे देगा शनि, दे देगा बृहस्पति, दे देगा उसी में एक दे देता है सूर्य भी। तो सूर्य दोस्तों मेरा एक प्लेनेट नहीं, ग्रह नहीं है यह, बल्कि क्या है, एक तारा होता है। अच्छा आइए चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य बना होता है किससे बना होता है? हाइड्रोजन से, हीलियम से, कार्बन से, ए और बी दोनों से। जैसे मैंने पहले ही क्वेश्चन बताया आपको कि जो सूर्य में हाइड्रोजन गैसेस भी होती हैं और हीलियम भी होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, लगभग कितना मात्रा में, 90% हिस्सों में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस, ये दो गैसेज मिल के सूर्य में लगभग ये 90% भाग में होती हैं और जो बचता है 10% इसमें क्या होता है, अदर गैसेज होती हैं। अच्छा दोस्तों हाल ही में नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जो कि सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा और वहाँ पर जो आंधियाँ आती हैं, जो स्ट्रॉम आता है वहाँ पर उसके जो सतह पर, उसका स्टडी करेगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में, सूर्य के बारे में स्टडी नहीं किया जा सका है क्योंकि सूर्य के पास कोई सैटेलाइट आसानी से पहुंच नहीं पाता है इस कारण से। चलिए चलते हैं दोस्तों दूसरे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। न्यूटन के किस गति के नियम के द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त हुआ है? बल का व्यंजक मीन्स हो गया दोस्तों F = ma की बात किया जा रहा है। यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है, F = ma। अच्छा तो न्यूटन का ये कौन सा नियम होता है, यह द्वितीय नियम था। द्वितीय नियम के अनुसार F = ma प्राप्त किया जाता है। यह द्वितीय नियम क्या कहता है दोस्तों, यह द्वितीय नियम यह कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर होता है वह समानुपाती होता है किसके, बल के। अच्छा ये बल जो होता है कैसा बल होता है बताइएगा, ये जो बल होता है यह बल एक अनबैलेंस फोर्स होता है। ये कैसा फोर्स होता है, अनबैलेंस फोर्स होता है। अच्छा तो इसमें जो प्रथम नियम क्या कहता है भाई, इसमें जो प्रथम नियम कहता है, प्रथम नियम क्या कहता है कि अगर यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह हमेशा विरामावस्था में ही बनी रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो हमेशा वह गतिशील अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि इस वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाई जाए। जब तक कि इस वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाएगी वह उसी अवस्था में बनी रहेगी। अगर इसका आप डिफिनेशन अंग्रेजी में जानना चाहते
जाते हैं तो ये इस न्यूटन फर्स्ट लॉ का नियम डिफिनेशन ये होता है कि अ बॉडी इफ इन रेस्ट देन इट विल बी कंटिन्यूसली इन रेस्ट इफ एनी बॉडी इन मोशन देन इट विल बी कंटिन्यूसली इन मोशन अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाइड। अच्छा यह थर्ड नियम क्या कहता है, थर्ड नियम यह कहता है कि एवरी एक्शन हैव द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मीन्स हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, मीन्स अगर एक बॉडी पर कोई फोर्स लगा रहे हो या फोन फोर्स लगा रहे हो तो यह बॉडी भी इस बॉडी पर, मीन्स ऐसे समझिए आप दोस्तों कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है और यहाँ पर कोई दूसरी बॉडी, यह पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर F1 फोर्स लगाती है तो यह दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर मान लीजिए F2 फोर्स लगाएगी, लेकिन ये फोर्स होगा क्या, यह दोनों ही फोर्स बराबर होंगे लेकिन यहाँ पर यह माइनस का साइन होगा। माइनस साइन क्या दिखाएगा कि ये दोनों के बलों की जो दिशा है एक दूसरे की क्या है, बिल्कुल विपरीत होता है। अच्छा जड़त्व, ये तीसरा नियम चौथा है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम किसने दिया था, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जड़त्व का नियम दिया गया था गैलीलियो महोदय के द्वारा। कभी कभी किसी किसी बुक में प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम कहा भी जाता है, जड़त्व का नियम भी, हालांकि इसमें कुछ डिफरेंस भी पाए जाते हैं। अच्छा जो एफ बराबर एम ए है तो एफ का मात्रक क्या होता है, तो ये न्यूटन ने दिया है तो यह का जो यूनिट होता है मात्रक जो होता है दोस्तों यह होता है न्यूटन। यह कौन सी सिस्टम है, एसआई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। अच्छा तो सीजियस पद्धति में क्या होता है दोस्तों, तो सीजियस पद्धति में होता है अर्घ होता है, क्या होता है अर्घ होता है, इसका जो सीजियस सिस्टम में यूनिट होता है ये होता है अर्घ। तो एक न्यूटन बराबर कितना अर्घ होता है, 10^5 अर्घ होता है, एक याद रखिएगा दोस्तों एक न्यूटन बराबर 10^5 अर्घ होता है। तो मैंने एक क्वेश्चन के साथ बहुत ढेर सारा क्वेश्चन बता दिया आपको दोस्तों, ये अगर आप इसको पढ़ते हो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसका आप नोट्स भी बनाया करिए, नहीं दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रह जाओगे फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका, आप इसको पढ़िए अच्छे से नोट्स बनाइए और तब उसका रिविज़न करने में आपको अच्छा लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हम लोग पूछ रहा है कि किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो मैंने हम लोगों दोस्तों कल भी इसके बारे में प्रकीर्णन के बारे में बात किए थे, तो आइए देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है। तो सन से आने वाली किरणें होती हैं इसे बोला जाता है वाइड बीम ऑफ लाइट, श्वेत प्रकाश किरणें बोलते हैं, वाइड बीम ऑफ लाइट कहा जाता है इसको, श्वेत प्रकाश की किरणें होती हैं। अच्छा इस श्वेत प्रकाश किरणों में ये जो इसमें 7 रंग होते हैं, 7 रंग में जो बैंगनी रंग होता है, इस बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। अगर पूछा है सबसे कम किसका होता है तो लाल रंग का होता है, सबसे कम किसका होता है लाल रंग का होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है तो बैंगनी रंग का होता है। अच्छा सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होता है, अगर दोस्तों अगर स्पीड की बात की जाएगी तो अगर स्पीड की बात की जाएगी तो लाल रंग का स्पीड सबसे अधिक होगा तथा वायलेट का मतलब मीन्स बैंगनी रंग का स्पीड सबसे कम होता है। अगर श्वेत प्रकाश की किरणों को अगर प्रिज्म से गुजार दिया जाए, प्रिज्म से पास किया जाए तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कैसा रंग आपको दिखाई देगा, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, तो इसको इस पैटर्न को याद कर सकते हो, बैनी आह पिनाला, क्या दोस्तों याद कर सकते हो बैनी आह पिनाला के नाम से आप इसको याद कर सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, नी सबसे जो लास्ट वाला है बैगनी का, सबसे कम किसका होगा लाल रंग का होगा। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सुबह के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो आप इसका जवाब होगा क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है जिसकी वजह से सुबह और शाम के समय में सूरज का रंग लाल दिखलाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा हम लोग चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा मेरा पांचवा क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, कह रहा है कि इसमें दे रहा है हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका मिरीच का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो सभी सही होगा, हीरे का चमकना भी होगा, यह मिरीचिका की जो घटना घटती है, मिरीच जो बनता है, और कांच में आई दरार भी होता है। अच्छा, ये जो मिरीज होता है ये क्या होता है दोस्तों, आप लोग कभी कभी हाईवे पर जाते होंगे, देखते होंगे ना, बहुत दूर हाईवे पर आपको पानी नजर आता होगा, इसी घटना को मिरीज का घटना कहा जाता है। या फिर रेगिस्तान में आप रहोगे तो रेगिस्तान में भी आपको बहुत दूर आपको पानी नजर आएगा, जब देखोगे तो क्या होगा, आप वहाँ जाओगे तो पानी नज़र नहीं आता है। एक्चुअल में वो क्या हो रहा होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये घटना आपको नज़र आती है। अच्छा, बर्फ की पहाड़ियों पर भी जाओगे तो आपको ऐसी घटना दिखाई देगी, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं नज़र आएगा, आपको जो पेड़ हैं, घर हैं, वो आसमान में उल्टे लटके हुए नज़र आते हैं। ये सभी घटनाओं का जो रीजन होता है वो होता है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही ये घटना घटती है। आइए हम लोग चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा छठवां क्वेश्चन क्या है कि आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते दिखलाई पड़ते हैं, व्हाई द स्टार आर ट्विंकलिंग इन द नाइट। हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना कोई, हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर पढ़ते थे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस। आइए अच्छा देखते हैं कि आखिर आकाश में जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए क्यों नज़र आते हैं, जबकि दोस्तों सन भी तो होता है, जो सूरज होता है वो टिमटिमाता हुआ नज़र नहीं आता, ऐसा क्या कारण होता है, आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है, पहले इसका सही आंसर क्या होता है, दे रहा है कि प्रकाश में परावर्तन कारण, एकदम गलत, प्रकाश में अपवर्तन कारण, दिस इज द राइट आंसर, प्रकाश में अपवर्तन के कारण ही आकाश में जो तारे होते हैं वह टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। अच्छा दोस्तों होता क्या है, देखते हैं इसमें कि क्या होता है, कैसे जो हमको तारे होते हैं टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। देखो होता क्या है, मान लीजिए ये आपका अर्थ हो गया और ये हो गया मेरा इन्वायरमेंट, मान लीजिए यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हो गया है, ठीक है, यहाँ पर कोई स्टार है, और स्टार जब लाइट ऐसे आएगा तो क्या हो जाएगा, जब यह विरल माध्यम से, मतलब रेयरर विरल माध्यम से, मतलब रेयरर मीडियम से, फिर ये भी जो मीडियम होगा ये आपका डेंसर मीडियम होगा, डेंसर होगा, तो डेंसर मीडियम जब लाइट आएगी तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, जिसके कारण प्रकाश घूम जाती है। पहली बात, इसका मतलब प्रकाश घूम जाएगी तो ये जो यहाँ से लाइट ऐसे घूम के आ गया यहाँ पर, तो ये जो स्टार होगा यहाँ पर नहीं बल्कि कहाँ पर दिखाई देगा हमको, यहाँ पर नज़र आएगा, ये स्टार यहाँ पर नज़र आएगा। दूसरी बात, टिमटिमाते हुए क्यों नज़र आएगा, क्योंकि जो मीडियम है हमेशा हिलता डुलता रहता है, यह कोई सॉलिड मीडियम नहीं है, यह हमेशा हिलता डुलता रहता है, जिसके कारण जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वह प्रकाश की किरणें कभी आँखों तक ठीक से पहुँच पा रही हैं, कभी घूम जा रही है, कभी इधर घूम जा रही है, ठीक से पहुँच पाती हैं, कभी कभी ठीक से नहीं पहुँच पाती, क्योंकि प्रकाश जो आ रही होती है वो बहुत ही कम मात्रा में आ रही होती है, जबकि सन से आने वाला, सूरज से आने वाला जो प्रकाश की किरण होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण क्या होता है आसमान, सॉरी, जिसके कारण क्या होता है सूरज हमको टिमटिमाता हुआ नज़र नहीं आता है। तो आई होप आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे कि आखिर आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों नज़र आते हैं, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं, मनुष्य की आँख के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो मान लीजिए ये तो हो गया दोस्तों मेरा आँख का गोला, अब ये अंदर होता है, ये होता है लेंस होता है। अच्छा, ये लेंस किसका बना होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, तो यह जो दोस्तों ये जो लेंस होता है यह लेंस टीशू का बना होता है, ऊतकों का बना होता है। ऊतक कैसे बनता है, द ग्रुप ऑफ द सेल विच हैव द सेम फंक्शन, ऐसे कोशिकाओं का समूह जिनकी जो कार्य हो समान होती है उसे क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है, टिशू कहा जाता है। अच्छा, ये जो सेल होता है, ये जो मतलब कोशिकाएं होती हैं, जो टिशू बना हुआ है, ऊतक बना हुआ है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। अच्छा, किसी वस्तु से जब आने वाले प्रकाश की किरणें होती हैं तो ये बिल्कुल इस पर पड़ने के बाद फिर यहाँ पर पड़ जाता है, ऐसे इमेज बन जाता है। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको अंदर का दिखाई दे रहा होता है, ये होता है आपका क्या, ये दोस्तों होता है रेटिना। ये क्या होता है दोस्तों,
ये आपका रेटिना होता है। तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन कभी पूछ लेगा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा बनता है? वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। और कैसा बनता है दोस्तों? वास्तविक बनता है। हमेशा याद रखिएगा, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक बनता है। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जब नेत्रदान किया गया होता है तो वह आँख का कौन सा भाग नेत्रदान में करते हैं? तो याद रखिए दोस्तों, कार्निया दान किया जाता है। क्या दान किया जाता है? कार्निया दान करते हैं। जो आँख का ऊपरी पटल, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है दोस्तों? वह होता है आपका कार्निया। अच्छा, हम लोग चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखलाई पड़ेगा? तो दोस्तों याद रखना कि आकाश का रंग नीला नहीं दिखलाई पड़ेगा। वो तो मैंने बताया था, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला नजर आता है। मतलब हमको क्या, यहाँ पर जो अर्थ पर जो लोग हैं, ये मतलब आपका अर्थ है, तो अर्थ पर जो लोग हैं यहाँ प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णित होकर यहाँ तक हमको नीला दिखाई दे रहा होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे इन्वायरमेंट से बाहर चला जाएगा तो उसको रंग कैसा दिखाई देगा? उसको दिखाई देगा बिल्कुल काला रंग का आसमान दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा दोस्तों? काले रंग का दिखलाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में यहाँ पर कोई गैसेज, कोई धूल, कुछ भी नहीं है, जिसके कारण सन से आने वाली, सूरज से आने वाली प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो सकता है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो वहाँ पर कोई कलर नहीं दिखलाई पड़ेगा। अर्थात जो आसमान होगा वह कैसा नज़र आएगा? वो हमको काला नज़र आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों क्या कहता है? कह रहा है विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है। मीन्स कह रहा है कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या भरा होता है? कह रहा है निर्वात होता है। निर्वात मतलब क्या होता है दोस्तों? निर्वात ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर कोई भी गैसेज नहीं होती है। जैसे कि मान लो ये आपका अर्थ हो गया, ये बाहर इन्वायरमेंट होगा, इसके बाहर सब क्या है? इन्वायरमेंट में जो होता है ये सब क्या है? बिल्कुल सब क्या है? यहाँ पर निर्वात ही होता है, यहाँ पर कोई गैसेज मौजूद नहीं होती हैं। अच्छा, कह रहा है निष्क्रिय गैसेज भरी होती हैं। हाँ दोस्तों, इस बल्ब के अंदर बिल्कुल क्या भरी होती हैं? इसके अंदर निष्क्रिय गैसेज भरी होती है। मान लीजिए आपका ऐसे बल्ब हो गया, ये बल्ब में लग गया फिलामेंट, या फिलामेंट किसका बना होता है? तो बना होता है SN टीन प्लस PB, SN प्लस लेड का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? SN प्लस PB, सीसा टीन। हाँ भाई दोस्तों, ये वही सीसा होता है, टीन जो है, PB जो होता है, ये वही सीसा होता है जो चॉकलेट पर लगा होता है, जिसके शाइनिंग के लिए गाड़ी मोटर से निकलने वाले धुओं में भी ये लेड पाया जाता है। तो दोस्तों कौन सी गैस भरी होती है? कोई गैस, उसमें निष्क्रिय गैसेज भरी जाती हैं। कौन सी गैसेज भरी जाती है? निष्क्रिय। क्यों? कि जिससे फिलामेंट जल्दी से गलने न पावे। ये जो फिलामेंट लगा होता है वह गलना नहीं चाहिए, जिसके कारण क्या लगा, क्या भरा होता है उसके अंदर? निष्क्रिय गैस है, जो कि रिएक्ट नहीं कर पाए। अगर आप दोस्तों बल्ब में किसी प्रकार से छेद कर दोगे तो बल्ब तुरंत आपका फ्यूज हो जाएगा। अच्छा, जो बल्ब में धातु लगाया किसी, इससे क्या कहते हैं? बोलते हैं दोस्तों टंगस्टन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं टंगस्टन। ये होता है टंगस्टन लगा होता है। अच्छा, जो हीटर में जो तार यूज किया जाता है वो कौन सा तार यूज किया जाता है? तो दोस्तों हीटर में यूज होने वाला तार जो होता है वह नाइक्रोम का होता है। किसका होता है? नाइक्रोम का होता है। हाँ अच्छा, ये नाइक्रोम का यूज क्यों करते हैं? टंगस्टन का यूज क्यों किया जाता है उस बल्ब में? क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, वह बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जब करंट फ्लो करता है तो तार बहुत जल्दी से हीट हो जाता है। बाकी चीज़ों में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो फिर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है? कौन सा एक अर्धचालक है दोस्तों? कह रहा है सिलिकॉन, आयरन, जर्मेनियम, ए और सी दोनों। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी वाला सही होगा, ए और सी दोनों। अच्छा, ये सेमीकंडक्टर होता क्या है? अर्धचालक क्या होता है? तो ऐसा कोई भी चीज़ जो चालक एवं अर्धचालक दोनों की भांति व्यवहार करता हो उसे सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक कहा जाता है।
तो दोस्तों चालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है? अच्छा कंडक्टर क्या होता है दोस्तों, ऐसा कोई भी चीज़ जो कि करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ करता है, ऐसे चीज़ों को कंडक्टर कहा जाता है। एनीथिंग विच इज अलाउड टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड कंडक्टर, एंड एनीथिंग विच इज डज नॉट अलाउ टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट दैट इज कॉल्ड द इंसुलेटर। ऐसा कोई भी चीज़ जो करंट फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करता है उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। अच्छा दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि कंडक्टर में ऐसा क्या होता है जिसके कारण करंट फ्लो होता है, तो आपका जवाब क्या होगा कि इसमें होता है तो दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है दोस्तों? फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसके अंदर। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके वजह से कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। तो सर जी आपने कहा कि सेमी कंडक्टर जो होता है वह कंडक्टर की तरफ बिहेव करता है भी और इंसुलेटर की तरफ भी बिहेव करता है, तो बताइए उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है? तो दोस्तों मैं कहूँगा कि नहीं भी होता है, होता भी है। अच्छा देखते हैं कब होता है कब नहीं होता, आइए ठीक से बात कर लेते हैं इस पर। तो होता क्या दोस्तों, जब यह जो आपका सेमीकंडक्टर होगा, जब यह नॉर्मल टेम्परेचर पर बिल्कुल होगा, जब वह नॉर्मल टेम्परेचर पर होगा तो यह बिल्कुल इंसुलेटर की तरफ बिहेव करेगा। किसकी तरफ बिहेव करेगा दोस्तों? इंसुलेटर की तरफ, मतलब अचालक की भांति यह व्यवहार करेगा। जब इसके अंदर इसको जब सॉरी जब इसको कुछ हम लोग टेम्परेचर दे देते हैं तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन अपने बाइंडिंग तोड़ करके अपने इस जो गैपिंग होता है, जो आर्बिट होते हैं उसमें एक तो बाहर निकल जाते हैं, वही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा जो कि उस सेमीकंडक्टर में घूमने के लिए रेडी हो जाता है और वह हल्का हल्का कंडक्टर की तरफ बिहेव करने लगता है। अगर दोस्तों मेरे वीडियो ये आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। शेयर करिए करना मत भूलिए प्लीज़ दोस्तों। थैंक यू।